हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्यूटर हमारा पहला है यहाँ पर पार्ट, तो हम जो है कंप्यूटर जो है कब खरीदे हुए थे, एक्चुअल में जो हमने कंप्यूटर जो खरीदा था वो 2005 की स्थिति में, 2005 की स्थिति में हमने जो खरीदा था तो उसका जो कीमत था कितना था, 22,500, उसका जीवन काल कितना दिख रहा है हमको यहाँ पर, 4 साल दिख रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है कि हमारे बुक में भी इसकी जानकारी को बताया गया है ना। अगर हम यहाँ पर बुक के आधार पर हम चलते हैं भाई, तो यहाँ पर बुक से कभी कभी हमको समझ भी नहीं आता है ना। यहाँ पर आपको डायरेक्टली निकाल के बता दिया, देखिए कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर है 2004-2005 को खरीदे थे 22,500 में, 4 साल इसका लाइफ है, 5,625 रुपये इसको निकाल के बता दिया गया, लेकिन इसकी वास्तविक जो कीमत है वो 5,610 रुपये। भाई एक्चुअल में जो है इसको हम अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर कंप्यूटर का जो कीमत है वो कितना है, 22,500 रुपये है, लाइफ इसका कितना है, 4 साल है। हमने क्या किया, संपत्ति का मूल्य गुणी, संपत्ति का मूल्य बटे जीवन काल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जो है कि क्या चीज है, संपत्ति का मूल्य बटे हमने जीवन काल लिया, तो भाई 1 साल का हमारा कंप्यूटर की कीमत हम कितना चुका रहे हैं, ये हम जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इसको कैसे करेंगे, संपत्ति का मूल्य कितना है, 22,500 रुपये, और जो है कि भाई क्या है, इसका जीवन काल कितना है, 4 साल। भाई हम 4 साल लेंगे, अब भाई 4 साल हम लेंगे तो भाई इसको हम क्या करेंगे, इसका हम रिजल्ट निकालेंगे, कितना होगा, भाई जब 500 को जो है 4 से भाग देंगे कितना आएगा, बताइए भाई, कैलकुलेटर करिए भाई। तो यार 500 को हम क्या करते हैं यहाँ पर भाग देते हैं 4 से, हमारा जो रिजल्ट आना है वो कितना आएगा, 5,625। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, उसमें एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि जो है क्लियर, तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, क्या वैल्यू है उसका, 5,625। ये 5,625 जो है ना, ये 1 वर्ष या फिर ये बोल सकते हैं 365 दिन, 1 साल में कितना दिन होता है भैया, 365 दिन। तो भाई 365 दिन की कीमत कितना है, 365 दिन की कीमत कितना है, 5,625 रुपया। तो भाई हमको जो है ना, हमने संपत्ति को कब खरीदा, देखिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च जो होता है ना, वो आपका जो होगा वो 365 दिन, लेकिन हमने संपत्ति को खरीदा कब, 2 अप्रैल को। तो भाई यहाँ पर जो है 2 अप्रैल को अगर हमने खरीदा है, तो 2 अप्रैल से जो है 31 मार्च को कितना दिन है, एक्चुअल में 1 दिन कम हो जाएगा। भाई अगर आपने संपत्ति खरीदा नहीं है तो उस दिन को गिनोगे क्या, 1 तारीख को आपके पास आया था क्या, नहीं था, तो भाई हम 1 दिन की कमी करेंगे ना, तो भाई एक्चुअल में हमको वास्तविक जो कीमत निकालना है वो 364 दिन के लिए निकालना है। कितने दिन के लिए, 364 दिन के लिए। तो भाई हम ऐसा क्या करें कि ये 300 मतलब जो है कि हम 365 दिन के लिए निकाल लें, कैसे डिवाइड करेंगे, 5,625। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यह है कि भाई 5,625 है उसको हमको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि भाई 365 दिन की भी वैल्यू है, तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे 365 तरह से, और हमारा रिजल्ट जो है क्या आ रहा है यहाँ पर, 15,410,959 कर दिया, चलिए पूरा लिख दिया। तो भाई यहाँ पर 1/21 की जो वैल्यू है वो कितना है, मतलब 15,40,65। ठीक है, 1/21 कितना दिन का है, ये 1 दिन की वैल्यू है, हमको याद कितने दिन का करना है, 364 दिन के लिए हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई 364 दिन के लिए ज्ञात करना है, तो आप क्या कर देंगे, 15,481 जो दिख रहा है
सर्टिफिकेशन कर देंगे कितने से 364 दिन। भाग इसलिए दिए क्योंकि एक दिन का निकालना है, अब हमको एक दिन का जो कैलकुलेशन करना है 364 दिन के लिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे 364 दिन और जो है इसको इक्वल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा क्या होगा 5,609,58,600। राउंड ऑफ में अगर आप इसको चाहो क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ में आप इसको क्या करेंगे बोलना चाहिए कि 5,609 रुपया 5,600 कर सकते। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एक्चुअल में इस तरह से एंट्री तो हमने की है लेकिन ऐसा नहीं होता, या तो फिर छमाही ह्रास मूल्य निकाला जाता है या फिर जो है सिर्फ साल भर एक दिन के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से, 15 दिन के हिसाब से नहीं निकाला जाता एक्चुअल। ऐसा करने में समय वेस्ट होते हैं व्यापारी का या सीए का जो भी है, और वेस्ट वाली बात नहीं है एक्चुअल में वैसा रूल ही नहीं बना। यानी कि क्या है कि अगर आप क्या करते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना हुआ, तो भाई आप अक्टूबर से पहले क्या कर लेते हैं ना, अक्टूबर से पहले तक यानी सितंबर महीने तक अगर आप क्या करते हैं खरीदते हैं, यानी ये बोल देता हूँ अप्रैल से सितंबर, तो इस दरमियान जब आप खरीदेंगे ना तो पूरे साल भर का ह्रास लगेगा 1 वर्ष। और जब आप क्या करते हैं अक्टूबर मंथ से लेते हैं है ना, अक्टूबर से क्या मार्च तक, चाहे भले ही आप मार्च में लो तो भी जो है आप क्या करेंगे 6 माह का ह्रास निकालेंगे। तो भाई यहाँ पर अगर क्या था 22,500 था, इसको हमने अगर साल भर का निकाले तो 4 से भाग देते 5,625 आता। अगर यही अक्टूबर मंथ में आता तो हम 5,625 को भाई साल में दो दो 6 माह ही होगा तो भाई हम 2 से भाग देंगे रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अगर अक्टूबर के बाद हमने या अक्टूबर से हमने लिया हुआ है तो अक्टूबर से पहले तक लिए हैं तो भाई क्या होगा 1 साल का, और अक्टूबर से लिए हैं तो 6 महीने का ह्रास निकलता है संपत्ति पर एक्चुअल में। लेकिन भाई बुक में ऐसा नहीं दिया है भाई, इसलिए हमको रिजल्ट लाना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे बुक के आधार पर अभी फिलहाल रिजल्ट को लाने के लिए चलेंगे। लेकिन प्रॉपरली जो तरीका होता है वो मैं बता दिया भाई है ना, और जो ह्रास मूल्य भी ज्ञात होता है किस आधार पर, अगर हम इस संपत्ति पर ह्रास मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर 10% लगता है इसके लिए, 15% है ना, या फिर 20% है, 20% है या फिर 30%, उसके आधार पर भी आपको ह्रास मूल्य होगा। सपोज इस पर 30% लगता है उदाहरण के लिए, तो 30% आप ज्ञात करेंगे और पूरे साल भर तो हुआ है तो 20% ह्रास मूल्य ज्ञात होगा, अदरवाइज जो है कि उसका बटे दो करके फिर से रिजल्ट निकालेंगे। सपोज जो है कि क्या चीज है 22,500 अभी मैंने बता दी, अब यहाँ पर जो 30% लगता है, 30% नहीं लगता इसमें, 30% लगता है भाई 30% 100 करेंगे एक्चुअल, हाँ यहाँ पर ये जीरो बढ़ गया ये भी, और क्या कर देंगे यहाँ पर से हम 225 क्या कर देंगे यहाँ पर 30 कर देंगे, कितना आया 6,750 एक वर्ष के लिए। लेकिन सपोज ये जो है हमको 6 माही हम मतलब जो है कि अक्टूबर के बाद हमने या अक्टूबर से लिए हो तो भाई 6,750 जो है क्या हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, तो इसको आप करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही आपका ह्रास मूल्य। इसी तरीका होता है भाई, तो भाई इसको ध्यान में रखना है, हर एक एंट्री को मैं करके बताने वाला नहीं हूँ भाई, आप इसको करके देखेंगे। यहाँ पर हम अब आ जाते हैं, समझना है आप हाँ यस मतलब ये है हाँ वो हमारे दिमाग में चलेगा भाई, वो हलचल रहेगा लेकिन ईयर से मतलब नहीं है एक्चुअल में। भाई मैं ये लैपटॉप लिया तो भाई लैपटॉप तो भाई मान के चलो आप बाइक लेके आते हो, बाइक हर किसी के पास रहता है, उसकी कीमत भी लगभग हर कोई आकलन कर सकता है ये बोल देता हूँ, या मोबाइल आप यूज करते हो इसलिए, तो भाई बाइक लेके आओगे भाई आपको इतना अंदाजा रहेगा कि मैं इसको 1 साल यूज कर लेता हूँ तो लगभग इतने में बिक सकता है,
साल यूज करूंगा तो 1 लाख इतने में बिकेगा, तो भाई उसको एक्सचेंज करके इतना डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है और इतने में हम ले सकते हैं, तो भाई वो अंदाजा रहता है ना भाई। आप 5 साल चलाओगे तो भाई ये आप 3 साल बाद भी बेचोगे ना, लगभग 3 साल और 5 साल में कोई अंतर नहीं रहेगा रेट का डिफरेंस में बेचने पर। वो अलग चीज है भाई कि गाड़ी की कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वैसे हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं ताकि हम ह्रास में इसलिए याद करते हैं ताकि अगर हमने ये कंप्यूटर जो खरीदे हैं है ना, कभी किसी कारण से कभी किसी आड़े वक्त में इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो भाई उसको सुधरवाना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो भाई उसके मेंटेनेंस रख रखाव के लिए हम क्या करते हैं, ह्रास मूल्य की क्या करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने कंप्यूटर का देखा, सेलफोन अब आ रहा है। सेलफोन भाई यहाँ पर क्या चीज आ रहा है, 15/4/2005 की स्थिति में, तो 15/4/2005 की स्थिति में क्या चीज है, यहाँ पर 6,000 उसकी वैल्यू था। पलट के देखेंगे कि उसके डेट वाइज दिया हुआ है, 15/4 को लिए, 15/4 को 15/4 और 15/4 चार हमने लिए थे, सेल फोन, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और जो है फर्नीचर, भाई चारों भाई एक ही कीमत जो है 6,000 है। भाई 6,000 जो है तो उसका जो ईयर था ना वो 5 साल का, तो 5 से भाग देंगे 1200 आएगा, और 1200 जो था वो 365 दिन के लिए, 365 दिन से हम क्या कर देंगे, 1200 को भाग देंगे तो कितना दिन का निकलेगा, 1 दिन का। और 1 दिन से हम क्या करेंगे, जितने दिन के लिए निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, उतना कर देंगे। अगर हमने क्या किया हुआ है, 15 अप्रैल को अगर हमने खरीदा हुआ है तो बताइए कितना दिन के लिए हमको याद करना पड़ेगा, क्यों 15 दिन कम करेंगे तो 350 दिन है। पंद्रह आप 15 दिन बता रहे हो ना भाई, भाई 15 को खरीदे हैं इसलिए 1 से 14 तारीख तक जो है माइनस होगा, जिस दिन हम संपत्ति को खरीदते हैं उस दिन से जो है हमारा जो है कैलकुलेशन चालू हो जाता है ना। तो 14 तारीख तक का हमको माइनस करना है, तो 365 दिन में 351 दिन आएगा, और 351 दिन का हम निकालेंगे तो 1153 रुपए कुछ पैसा आएगा, जो कि राउंड अपने आप को इतना दिखा रहा है। वैसे ही जो है कि आपको फर्नीचर के लिए भी इसमें भी 14 दिन कम करना है, 8 साल के लिए निकालना है, 8 साल के लिए निकालेंगे तो जो है कि 2500 को भाग देंगे कितना से, 365 दिन से, और उसके बाद 351 दिन के लिए याद करना है। तो वैसे जो है आपका एयर कंडीशनर है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इसके लिए आप लोग बताइए कि कैसे हम निकालेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, 15/12/2005 की स्थिति में इसको खरीदा गया है, इसकी जो कीमत है 12,000 है, और यहाँ पर जो है इसका जो ईयर है इसकी जो वैल्यू 6 साल, और यहाँ पर जो क्या चीज है 2000 निकाला गया, ये तो निकालने आ जाएगा। 12,000 को 6 से भाग दोगे 2000 आता है 1 साल का है। अब हमको 1 साल में जो है कि क्या करना है, तीनों की संख्या याद करना है। आपने कब खरीदा, 15/12/2005 को खरीदा, बताइए भाई। आप ही बस तो बताते हो, बाकी और भी कोई नहीं है क्या, सबके भाई ताला लगा है क्या, भाई बताइए। ये बस बैठ के देखने बस के लिए आए हैं, कैसे खिलावन जी, क्या आशा कर सकते हैं आपसे। कैसे का कब से कब तक गिनती लगा रहे हैं भाई, बताइए। हमने यहाँ पर 15/12/2005 को खरीदा हुआ है, क्या है 15 तारीख 12/12/2005 को है ना, और इसकी जो कीमत था वो 12,000 था, उसका जो लाइफ है वो 6 वर्ष, बताइए जल्दी बताइए भाई। आपकी आवाज मेरे तक सुनाई देना चाहिए, और भी कोई सुन रहे होंगे तो उनको भी सुनाई देना चाहिए। नहीं तो माइक लगाना पड़ेगा आपकी आवाज को सुन पाने के लिए। कैसे रेशम भैया, हाँ क्या बोल रहे हैं, 106 होगा, कैसे 106 निकाले कोई बताइए। एक एक करके बताते जाइए ना, तब तो इन लोग भी समझेंगे। दिसंबर है, सोलह, उसके बाद जनवरी का, फरवरी, मार्च,
कब खरीदें संपत्ति को? दिसंबर कितने का महीना होता है? 31 का। तो भाई आप 15 तारीख से अगर 31 तारीख जोड़ेंगे तो 31 दिन 17 दिन होता है। गिन लीजिए भाई उंगलियों से, ठीक है 17 दिन होता है। निकालने के दो तरीके हैं, आपने जो बताया वो जो है कि 15 तारीख से दिसंबर 31 तारीख तक जो है कि 17 दिन का, मार्च जनवरी में जो है 31 दिन होता है, दिसंबर का है यहाँ पर, जनवरी का, फरवरी का 28 दिन, और जो है कि क्या चीज है यहाँ पर मार्च का जो होगा वो जो है कितना 31 दिन, टोटल आप योग करेंगे तो 107 दिन होंगे। कितना होंगे? 107 दिन। आपने भाई कैलेंडर आप जानते हो कि कितने का महीना होता है तो आप कर लोगे, लेकिन नहीं है तो भाई ये भी एक तरीका होता है कि भाई दिसंबर में कितना दिन निकल रहा है उसको गिन लीजिए, और एक एवरेज डेट ले सकते हैं यहाँ पर, जनवरी के लिए भी 30 दिन ले सकते हैं, फरवरी के लिए भी और मार्च के लिए भी 30 दिन, एक आध 2 दिन का अंतराल जो आएगा वो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है ना, 107 दिन इसमें भी हो जाएंगे और उसमें भी हो जाएंगे। वो अलग बात है कि 28 दिन का होता है, 29 दिन का होता है आपका फरवरी, और जो है कि जनवरी तो जो है कि क्या चीज है 31 दिन, और मार्च भी 31 दिन का होता है ना, लेकिन 4 साल में एक ऐसा साल आता है कि 366 दिन भी होता है, तो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2000 आएगा है ना, क्या चीज है संपत्ति का मूल्य जो था वो कितना है 12000, 2 से भाग देंगे सॉरी 6 से भाग देंगे 2000 आएगा, और 2000 को आप क्या करेंगे 365 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो हम जो क्या करेंगे भाग देंगे 365 से, जो हमारा जो है पैसा क्या है 5, 6, 7, 9, इसको हम गुणा कर देंगे कितने से 107 दिन है ना, 1 दिन 107 दिन का जो फ्यूचर होगा वो क्या करेगा, यह क्या करेगा 7 दिन, जो वैल्यू आएगा कितना है 5000, सॉरी 5,86 रुपया 30 पैसे। अब यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट दिखाया 5, ठीक है, तो जितना आप निकालोगे उसकी वैल्यू भी यही आएगा है ना, पैसे का आएगा तो उसको आपको राउंड अप बना लेना है, ठीक है। अब इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे, तो भाई आपको क्या करना है, टैली में जाना है। अब फिलहाल मैं इसको देख करके एंट्री करूंगा, इन सभी का योग करेंगे तो आपका जो क्या है 14,401 रुपया। जब तक आप कॉपी में बना के नहीं देखेंगे तब तक जो है कि एंट्री नहीं करना है, मैं सबका कॉपी चेक करूंगा और कॉपी चेक कल करूंगा तब क्लास आगे लूंगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जाएंगे है ना, जाने के बाद क्या करते हैं यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के लिए हमको कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल वाउचर में जाएंगे। जनरल वाउचर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक लेजा बनाएंगे जो की क्या चीज है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस करके हम बनाएंगे। डिप्रिसिएशन मतलब ह्रास मूल्य ज्ञात करना, हम क्या करेंगे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जितना हम ह्रास मूल्य ज्ञात कर रहे हैं वो हमारे लिए खर्च हो चुका है, वो वैल्यू वापस नहीं आने वाला है ना, इसलिए हम इसको लेंगे और एंटर एंटर करके हमारी जो कीमत था वो कितने का था ये पहले देख लेते हैं। 14,400 योग करोगे भाई है ना, योग करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे 14,401 रुपया एंटर हम करेंगे। भाई देखिए जब आपने कंप्यूटर को खरीदा था तो क्या किए थे, कंप्यूटर डेबिट और कैश क्रेडिट किए थे। अब भाई हम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए जो है मूल्य में कमी ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए जो है हम क्या करेंगे कंप्यूटर को उतने मूल्य से क्रेडिट करेंगे। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हम लेंगे और कंप्यूटर को लेने के बाद जो है कि उसकी जो कीमत है ना अभी फिलहाल मैं इसको 0 करता हूँ, यहाँ पर अभी 1 रुपया ले लेते हैं। तो भाई कितना कीमत था 22,499 यहाँ दिख रहा है क्योंकि मैंने 1 रुपया लिया, तो इसकी जो कीमत था वो कितना है 22,500 है। भाई हम इसको जो है कि क्या कर रहे हैं ना कीमत घटा रहे हैं क्योंकि उस समय उसकी जो कीमत रह गया वो कितना है 5,610 रुपया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5,610 रुपया ऐड करेंगे। अगला जो है वो क्या चीज है, यहाँ पर आप देखेंगे
तो क्या है यहाँ पर आप देखते हैं तो भाई क्या है, सेलफोन है, तो सेलफोन का जो वैल्यू है वो 1154 है। तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, सेलफोन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 1154 रुपया ऐड करेंगे। उसके बाद जो है कि क्या है, यहाँ पर आप आएंगे तो फर्नीचर दिया है 2404 रुपया। क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे अब फर्नीचर सिलेक्ट करेंगे, अब फर्नीचर को सिलेक्ट करने के बाद 2404 रुपया, क्या है 2404 रुपया लेंगे। एंटर आप करेंगे और एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर की जो वैल्यू है 3205। यहाँ पर आप जाएंगे, एयर कंडीशनर आप सिलेक्ट करेंगे, एसी सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे 3205 रुपये सिलेक्ट करेंगे। पढ़ेंगे आगे और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इसका जो वैल्यू है 1442 रुपये आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग था कितना था 1442, एंटर हम करेंगे। अगला जो वैल्यू है वो क्या चीज है, हमारा ऑफिस इक्विपमेंट था, यही था ना, जो बचेगा वो इसके लिए आ जाएगा, 586 आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो भी हमारी जो कीमत है तो दोनों पक्ष, क्रेडिट पक्ष जो है 14401 और जो है डेबिट पक्ष भी 14401 हो चुका है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर से भी मिलान कर सकते हैं। इसकी जब एंट्री करेंगे तो देखिए हमारी जो संपत्ति का मूल्य है घट करके ये पूरा हमको प्रॉपर बता रहे हैं कि कितने का कीमत का रह गया। एंटर एंटर हम करेंगे, एंटर एंटर करने के बाद जब इसको सेव करेंगे और अब जो है कि वापस होते हैं, अगर आप चाहो तो डिस्प्ले में जा सकते हैं, अकाउंट बुक्स में। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे, ग्रुप समरी और फिक्स एसेट्स आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि आपको कीमत नजर आए। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज है, हमने ह्रास मूल्य ज्ञात किए, यानी इतने मूल्य का जो है हमको खर्च हो चुका है क्योंकि वो वैल्यू वापस नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, ह्रास मूल्य ज्ञात करेंगे। तो भाई कल अगला जो चैप्टर होगा वो जो है कि क्या चीज है, एडजस्टमेंट का होगा। एडजस्टमेंट जो है कि क्या मतलब, समायोजन की एंट्री कहने का मतलब, लेकिन जब तक आप बना के नहीं दिखाएंगे मैं आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट